लोकसभा और राज्यसभा। भारत में दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। दो सदनों की क्या जरूरत है? केवल लोकसभा होती तो क्या होता? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भारत एक संघीय देश है जिसमें सत्ता केंद्र और प्रांत दोनों के बीच में बटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, अतः उसमें प्रांतीय विधायिकाओं की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था है जिसे प्रांतों की विधायिकाएं सदस्य चुनते हैं। किसी भी देश में विधायिका के दो सदन होने के कई लाभ हैं। पहला है संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति। आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधाओं में पारंगत जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ आदि को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिकाओं के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिल सकता है। दूसरा, दो बार कानूनों पर विचार विमर्श। जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा, हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है। अतः हर कानून पर दो बार चर्चा होती है। अतः जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है। संघीय शासन। भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्ति को दो स्तरों, संघ और राज्य में बांट दिया गया है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यह सारी सत्ता न केंद्र के पास है, न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है, जैसे लोकसभा के सदस्य आदि। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। आगे हम संसद के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला, विधायी कार्य। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों कार्यपालिका की होती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक, प्रस्तावित कानून बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उप समितियों में उस पर गहन विश्लेषण और विचार होता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समितियों में होता है। उस समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्रायः निश्चित होता है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायित्व है कि वे उसका उचित उत्तर दें।
गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है। तीसरा, वित्तीय कार्य। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें साल भर सरकार जो खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है और इस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल कर सकती है या राजकीय धन का व्यय कर सकती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है।